जी दोस्तों, हमें बहुत से हमारे सब्सक्राइबर्स ने, व्यूअर्स ने, बहुत से दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि 9mm पिस्टल NP22 में बुलेट किस तरह कॉक करके लोड किया जाता है और इजेक्ट कैसे किया जाता है। इसके ऊपर हमें एक एजुकेशनल लर्निंग वीडियो दें। तो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ आपको बताएंगे कि ये टॉयज नहीं हैं, ये रियल वेपन हैं और बच्चे इनसे दूर रहें। ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस, सिक्योरिटी पर्पस, और ये टारगेट शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए और वो भी किसी रेंज पे, किसी खुली जगह पे। आपके साथ ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो कि ये इसको ऑपरेट कैसे करना है। वीडियो शुरू करने से पहले व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। तो बगैर हम टाइम ज़ाया किए ये आपको बताएंगे, इसके एक मैगजीन में 15 राउंड से 17 राउंड तक बहुत आसानी से आ सकते हैं। ये देखिएगा, आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर अगर आप देखें 17 लिखा आ रहा है। CF-98 से ये ज़्यादा कैटरेज कैरी कर लेता है, बट सेफली इसके अंदर 14 तक, 14 राउंड तक आप फीड करके रखें तो इसका स्प्रिंग परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में रहता है। दो स्पेयर, एक स्पेयर होता है और एक इसके साथ मैगजीन, टोटल दो मैगजीन्स होते हैं। तो एक मैगजीन को हम साइड पे रख देंगे फिल वक्त और एक मैगजीन इसके अंदर लोड करेंगे। आप देखिए ज़रा गौर से, इसके अंदर हम इस तरह इसको डाल के और पुश कर देंगे। बिल्कुल चेक कर लें, परफेक्टली इसके अंदर फिक्स्ड है। पिस्टल को मजबूती से इस तरह से पकड़ के, अपना अपना स्टाइल होता है, कुछ इस तरह से करते हैं, कुछ ऐसे लोड करते हैं, जिस तरह आप बेहतर इसको ऑपरेट कर सके उस तरह से हैंडल कीजिए। किसी को स्टाइल को कॉपी मत करें, क्योंकि स्टाइल कॉपी करने से आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आप कंफर्टेबल किस में हैं। तो इसको सिंपली आपने कॉक कर लिया और एहतियात के तौर पे ये मैगजीन हमने बाहर निकाल दिया। इसको इजेक्ट करके दिखाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये बुलेट इस तरह से इजेक्ट हो जाएगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।